हेलो माय यूट्यूब फैमिली, चलिए आज हम बनाते हैं पास्ता और मैक्रोनी मिक्स बहुत ही शानदार और सिंपल तरीके से। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमारी पास्ता कितना टेस्टी अम्मी बना है। तो सबसे पहले हम एक गिलास पानी ले लेते हैं। जब हमारे पानी में अच्छे से बॉईल लगा जाए उसके बाद हम इसमें एक कटोरी पास्ता और मैक्रोनी ऐड कर देते हैं। उसके बाद इसमें अच्छे से बॉईल आ जाएगा, तब हम इसको अच्छे से उबाल आने के बाद इसको अच्छे से चलाते जाते हैं। इससे हमारे पास्ता मैक्रोनी बिल्कुल भी चिपके नहीं और बहुत अच्छी तरीके से बॉईल हो जाएं। जब ये हमारे अच्छे से बॉईल हो जाते हैं फिर इसको हम छन्नी की मदद से बाहर निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए एक कटोरी में रख देते हैं। फिर एक चम्मच तेल डाल लेते हैं कढ़ाई में, थोड़ा सा एक चुटकी भुना हुआ जीरा और 3 से 4 हरी मिर्च और प्याज भी ऐड कर देते हैं बड़ी स्लाइस में। 2 साबुत लाल मिर्ची भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसको बिल्कुल गैस को मीडियम लो पर कंटिन्यू ऐसे ही पकाते जाते हैं जब तक हमारी प्याज हल्की सी सुनहरा ना हो जाए, तब तक हम इसको कंटिन्यू चलाते हैं। 2 कटोरी इसमें हम टमाटर ऐड कर देते हैं। जब इसमें नमक स्वादानुसार डाल सकते हैं टमाटर के साथ। फिर इसमें हम हल्दी पाउडर, थोड़ी सी धनिया 1 चम्मच के करीबन इसमें ऐड कर देती हूँ। फिर इसको ऐसे ही कंटिन्यू चलाते जाते हैं। ये हमारा अच्छे से बॉयल हो जाता है तो अलग ही एक लुक दे देता है। तो प्याज और टमाटर में हम पास्ता मसाला ऐड कर देते हैं। जब हमारा टमाटर अच्छे से बॉयल हो जाए फिर हम इसमें 1 कटोरी पास्ता मैक्रोनी ऐड कर देते हैं। उबले हुए पास्ता मैक्रोनी इसमें ऐड कर देते हैं और ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं, इसमें हमने रेड चिली यूज नहीं की है क्योंकि हम इसमें ब्लैक चिली का उपयोग करेंगे, तो रेड चिली का मैंने उपयोग नहीं किया है। थोड़ी सी धनिया डाल देते हैं। अब हरी धनिया से वो इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया करे आप लोगों को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम इसमें थोड़ी सी ब्लैक चिली ऐड कर देते हैं क्योंकि पास्ता मैक्रोनी में मेन टेस्ट ब्लैक चिली से ही आता है, तो ब्लैक चिली इसमें ज़रूर डालें। और बच्चों के लिए डालना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मेरा पास्ता ना ही घुला है ना ही बुरा सा बना है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स देखिए मेरा लाजवाब पास्ता मैक्रोनी बनकर तैयार है। ये बहुत ही यम्मी बना था। आप इसको अगर तीखा नहीं रखना चाहते तो इसमें केचप डाल सकते हैं। बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।